मित्रों, दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार की शाम डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुश आमदीद एंड वेलकम करता हूँ। पिछले शुक्रवार 24 अगस्त की शाम को नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों की इस सीरीज़ में नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार को केंद्र में रखकर राजनीतिक पार्टियों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा उनकी संभावित अनदेखी के भाग एक की चर्चा की थी। आज के विषय पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारी चर्चा का एक भी शब्द किसी पार्टी विशेष या विचारधारा से कोई सरोकार न तो रखता है और ना ही कभी रखेगा। हमारी हर चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान के बारे में शांतिपूर्वक तरीकों से भारत के नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और आज के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक निष्पक्ष और निश्चल प्रयास भर है। हमेशा याद रखिए कि जनतंत्र के केंद्र में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नागरिक, यानी कि आप, मैं और वे सब जिनके पास एक सॉवरेन सिंगल वोट की ताकत है। और हर वह जिसके पास अपना सॉवरेन वोट नहीं है, वह संविधान के मंदिरों में अंदर और बाहर, यानी कि गांव की पंचायतों से लेकर देश की संसद तक पूरी तरह से शक्तिविहीन है। चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का पार्टियों और संवैधानिक संस्थानों द्वारा की गई बदस्तूर की जाने वाली अनदेखी के कारण भारत के नागरिकों का संवैधानिक प्रक्रियाओं और व्यवस्था में घटते टूटते विश्वास का, उसके असल अर्थ का आज के राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखकर, मगर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। स्वागत है आप सभी का चर्चा के भाग दो में। इस चर्चा को आप अधिक आसानी से समझ सकेंगे यदि आपने पिछले एपिसोड 3, 6, 8, 9, 10, 22 और पिछला 27th एपिसोड को YouTube पर ऑलरेडी सुन रखा है। कुछ साल पहले तक कई कमियों और परेशानियों के बावजूद संवैधानिक प्रक्रियाओं, व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में उच्च और मध्यम वर्ग के विश्वास की कमी के बावजूद निम्न और ग्रामीण वर्ग में लोकतंत्र के प्रति आशातीत आस्था बनी हुई थी, मगर अब उसके भी टूटने का सिलसिला नजर आने लगा है, दरारें स्पष्ट नजर आ रही हैं। मेरा ऐसा कहने के पीछे कुछ तथ्य है जिन्हें ना दिखाई देते हों उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये सभी हार्ड फैक्ट्स उपलब्ध हैं और वही मेरी जानकारी का मूल आधार भी हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। इस संस्था द्वारा प्रकाशित देश भर के और उसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों में वोटिंग का डेटा कहता है एक भयभीत कर देने वाली कहानी। वह बताता है कि दिसंबर 2017 के चुनावों में गुजरात प्रदेश के 5.5 लाख यानी कि 1.8% मतदाता नागरिकों ने वहां के किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से इनकार करते हुए नोटा का बटन दबाया। बिहार अपने 2.48 नोटा वोटों के साथ देश में सबसे अव्वल स्थान पर आया। कमोबेश यही स्थिति पुडुचेरी, बंगाल, तमिलनाडु, गोवा और आसाम की रही। दिल्ली विधानसभा का चुनाव, इसमें सबसे कम 0.4 नोटा वोटर्स के साथ एक अपवाद के रूप में उभरा। आइए अब इस प्रतिशत के खेल से बाहर निकल कर देखते हैं कि राजनीतिक शतरंज की बिसात पर डिसएंचेंटेड नागरिकों के नोटा वोट ने पार्टियों की सीटों की हार जीत पर क्या प्रभाव डाला। वादा है कि जानकर आपको आश्चर्य होगा। हुआ ये कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से लगभग दो तिहाई यानी कि 115 सीट पर नोटा ने ब्रॉन्ज मेडल पाकर तीसरे पायदान पर अपना सिक्का जमाया। इस बात से आपको यह समझ आने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 1.8% नागरिकों का नोटा वोट कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक असाधारण तथ्य है जो मेरे, आपके और देश के प्रजातंत्र की हेल्थ कंडीशन को बताने वाला एक बैरोमीटर है। नागरिकों के विश्वास में तेजी से घटती आस्था की ओर किया जाने वाला एक स्पष्ट संकेत भी है। आइए इसका और अधिक गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो इन 115 सीटों में से 30 सीटों में नोटा की गिनती
विजेता को मिले वोट और रनर अप को मिले वोट के अंतर से भी अधिक थी। इन सीटों को हथियाने की स्पर्धा में बीजेपी ने 30 सीटों पर, कांग्रेस ने 13 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर अपना हाथ साफ किया। बिल्कुल सपाट बात करें तो कह सकते हैं कि इन 30 सीटों में विजेता को जिताने में नोटा वोट ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि कुछ चुनावी स्टैटिस्टिशियन जिन्हें सिफोलॉजिस्ट भी कहा जाता है कहते हैं कि नोटा ने सिर्फ 17 सीटों पर अपना प्रभावी असर डाला था, मगर असल बात यह है कि चुनावी दंगल में उतरे पार्टियों के स्पॉन्सर्ड सिंबल पर अपना दांव खेलने वाले टट्टू कैंडिडेट्स अब ज्यादा वोटर्स द्वारा रिजेक्ट हो रहे हैं। और यह बात इसलिए परेशान करने वाली नहीं है कि हमारा कोई राजनीतिक नजरिया है, बल्कि हम देख रहे हैं कि आम नागरिक में, जिनमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, उनका संवैधानिक प्रक्रियाओं और व्यवस्था में विश्वास बहुत तेजी से कम होने के संकेत अब आने लगे हैं, खासतौर पर उस वोटर जनसंख्या में जो आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न है और जो पारंपरिक तौर पर मध्यम और संपन्न लोगों की अपेक्षा चुनाव में अधिक संख्या और उत्साह के साथ भाग लेते रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा होने के कई कारणों में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो हम सभी को समझना होगा वह है संवैधानिक निर्णयों में नागरिक की भागीदारी का अभाव, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। सब कुछ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का धतूरा खाकर, मदमस्त होकर, बोराई से सत्ता, धन और आने वाले चुनावों में दोबारा जीत के चक्कर में नागरिक को किसी भी तरह के रंगीन सब्जवाग दिखाकर पंचायत से संसद तक अधिकतम सीटें जीतने की धुन में भारत की आत्मा या कहिए कि संविधान का जनाजा तैयार करने में व्यस्त से लगते हैं। उंगलियों की पौरों पर गिने जा सकने वाले अपवादों को यदि छोड़ दें तो सभी पार्टियां अच्छे भविष्य, सस्ते चीनी स्मार्टफोन्स के दमकते स्क्रीन के समंदर में डूबे युवाओं को रोजगार, 60 करोड़ की आबादी को घर का सपना, देश की बढ़ती GDP और कई मुद्दों पर ध्रुवीकरण को अंजाम देने वाले नारों का ताना बाना बुनकर असली मुद्दों से नागरिकों का ध्यान पहले भी भटकाते रहे हैं और आज भी उसी में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। इन डिसएंचेंटेड नोटा वोटर्स की बढ़ती संख्या को देश की संवैधानिक संस्थाएं कब तक नजरअंदाज करेंगी कोई नहीं जानता, मगर नागरिक को दिए गए इस टूथलेस वेपन को सिर्फ नेगेटिव वोट समझने की गंभीर भूल सुदूर भविष्य में आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि नोटा भी नागरिक का एक सॉवरेन वोट ही है और ट्रेंड्स बताते हैं कि आज नहीं तो कल उनकी ताकत बढ़ती ही जानी है। उचित होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ इन ट्रेंड्स का संज्ञान लेकर समय रहते हमारे पवित्र संविधान की देश में जनतंत्र की परिकल्पना को साकार करने हेतु एक बड़ी और बढ़ती हुई नागरिक प्रतिक्रिया को नजरअंदाज न कर उचित संवैधानिक शक्ति और व्यवस्था देने में देर ना करें। चलिए आज की चर्चा पर आपको विचार करने के लिए छोड़ देता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि हर मंगलवार शुक्रवार की शाम को इसी तरह फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में और बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की, उससे जन्मे सामाजिक, राजनीतिक और चुनावी भ्रष्टाचार तथा अपराध से होने वाले स्वतंत्रता के अधिकार की हनन की एवं संवैधानिक संस्थाओं द्वारा उसकी अनदेखी की। इसी चर्चा के भाग 3 में जानेंगे उसके असल अर्थ को आज के राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखकर, मगर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। मैं दिल की गहराइयों से यह उम्मीद, विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ। शुभरात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट। जय हिंद।